आज हम बनाने वाले हैं ये स्कूल बैग। ये हमारा ऐसा होने वाला है, इसका ये डिजाइन। ये हम चौथी से लेके सातवीं तक के बच्चे यूज कर सकते हैं इसको स्कूल में। बैक साइड से ऐसा होगा इसका। इसमें हम तीन पॉकेट रखेंगे, एक तो हमारे सामने का रहेगा, हमारा सामने का छोटा, और ये एक सामने और ये रहेगा मेन पॉकेट इसका, जो मेन रहेगा। ऐसे ही एक ये और रहेंगे पीछे का, तीसरा सा बैक साइड के लिए रहेंगे, इसमें भी रहेगा ये। ऐसे ही न्यू बैग की वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा एक पल्ला लेंगे सामने के लिए लेंगे, जिसका साइज रहेगा हमारा, जिसका रहेगा ऐसे में खड़े में होगा ये 13 इंची का होगा और आड़े में होगा ये 12 इंची का। ये ऐसा था, इसके अंदर से मैंने इसको निकाल लिया हो, ये गोला है। ये सामने का पॉकेट बनेगा हमारा, इसका साइज मैंने निकाला इसके अंदर से। इसका साइज ऐसे में खड़े में 10 इंची का, आड़े में 8 इंची का है ये। इसको हाफ फोल्ड करूंगा और यहाँ से भी इसको काट लूंगा, जो कि हमारी ये डिजाइन बनने वाली है। ये जो लकीर पहले ही मार के रखो, मैं इसको कैंची से काट लूंगा, यहाँ पे डिजाइन दूंगा। ये काट लिया हो यहाँ से, ये जो था हमारा, ये काटने के बाद ये जो रहेगा ये हमारा बीच में रहेगा और ये साइड में आएंगे ये दोनों। इसके इसके बीच में मैं वायर लगा दूंगा कोई भी कलर का। अब मैं बनाना चालू कर, ये जो हमने काटे थे इसके अंदर मैं वायर लगा ले रहा हूँ लाल कलर का, दोनों में लगा लूंगा ताकि वो थोड़ी एक डिजाइन लग जाए। जैसे रख के ऐसे ही ये दूसरे में भी लगा लूंगा। ये मेरा बन चुका है, ऐसा रहेगा, ये दोनों ऐसे आएंगे, बीच में वो रहेगा जो हमने ये काटे है। इसको दोनों को इसमें लगा लेंगे, जो हमने जिसमें से काट के निकाले थे इसको लगाता हूँ यहाँ से। साइड का लग गया, ये हमारा ऐसा हो गया एक साइड का। ऐसे ही ये दूसरे साइड का भी मार लेते हो इसको, यहाँ से रखेंगे और यहाँ से। ये हमारा दोनों तरफ सिलने के बाद ये ऐसा हो गया है तैयार। ये हमारा हो गया सामने का डिजाइन, इसमें भी हम सिंपल ही रखेंगे। एक वायर लगा लेता हूँ और इसमें पूरा राउंड ले लेता हूँ इसका। ये हमारा हो गया सामने का ऐसा, ये हमारा सामने का पॉकेट रहेगा। पॉकेट पे हम एक ये लोगो लगा लेंगे, ये एचपी का लगाऊंगा, और एक ये चैन पट्टी लेंगे हम, जिसमें एक रनर पहले ही डाल लिया हूं मैं। चैन रहेगी इसमें ये 17 इंची की और ये 4 इंची की ये पट्टी इस साइड चिपका लेंगे और इस साइड भी सिलाई कर देंगे।
देख सकते हैं ऐसी सिलाई की हुई है इसमें, ये सिलाई ऐसी करके ये सीधी पट्टी बना लेंगे, इसको यहाँ लगेगी, इसमें चैन लगा लेंगे। ये हमारी लग गई सामने के पल्ले में चैन, इसको पलटी कर लेंगे और ये लोगो भी लगा लिए। अब इसको हम ये जो हमने काट के निकाले थे इसको इसमें लगा लेंगे, इसको ये ऐसा फैलाएंगे और ये एक कोने से लगाना इसको चालू कर देंगे। यहाँ से ले लेंगे ये जो कटा हुआ है इसको ऐसा रखेंगे और ये जो हमारा है इसको उल्टा रख के यहाँ से ये हमारा सिलाई करने पे ये ऐसा हो गया है। ये सामने का ये जो चौकोन है इसको भी हम थोड़ा राउंड कर लेंगे ताकि ये हमारा सामने को बन जाए, इसको भी राउंड करेंगे। अब ये जो नीचे है इसके नीचे एक पट्टी लगा लेंगे, इसके नीचे जो पट्टी लगेंगी जाली ये पट्टी लगाएंगे एक सीधी, इसका साइज रहेगा हमारा ऐसे में रहेगी 12 इंची, ऐसे रहेगी 5 इंची की। इसको यहाँ नीचे रखेंगे, ये जो कटी हुई है यहाँ से इधर सीधी एक सिलाई मार लेंगे इसमें यहाँ रख के। ये हमारा हो गया। अभी इसको ऐसा करेंगे तो ये हमारा सामने का तैयार हो गया। ये नीचे का पलटी कर लिए, यहाँ एक सिलाई मार दी, ये पलटी कर ली। ये हमारा सामने का पॉकेट तैयार हो गया। हमारा है इसमें एक अस्तर लगा के चारों तरफ सिल लूंगा तो ये हमारा ये जो पॉकेट है ये पॉकेट तैयार हो जाएगा। ये अस्तर रखूंगा इसी साइज का और इसमें पूरी सिलाई मार दूंगा चारों तरफ। ये हो गया हमारा सामने का पूरा तैयार पॉकेट। इसको अब ये ऐसी दो पट्टी ले लेंगे, ये पिट्ठू बनाएंगे इसका। इसका साइज रहेगा हमारा 14 इंची लंबाई होगी, 2.5 इंची चौड़ाई होगी। इसके नीचे ये अस्तर रखेंगे, ये ऐसा एक बना के बताता हूँ। इसको रख के यहाँ सिलाई मार लेंगे, इस तरफ मारना इसमें सिलाई, एक तरफ छोड़ देंगे और ये यहाँ पे राउंड करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा सिल गया। ये ऐसा सिलने के बाद इसके अंदर एक हेटलन डाल लेंगे जिससे हमारे नरम नरम हो जाए। ये पीछे से ऐसी सिलाई है कि देख सकते राउंड किया हो। ये अस्तर जो बचा हुआ है छाट लेंगे, हमारा छट गया है। और ये स्पंज इसके अंदर डाल लूंगा, हेटलन रहेगा, इसको इसके अंदर डाल लेंगे। ये पूरा अंदर, ये अंदर जाने के बाद यहाँ से इसको ये साइड से ये पट्टी ये निवार मार लूंगा पाइपिंग, ये ऐसे फोल्ड करके चारों तरफ इसमें। ये हो गया हमारा एक साइड का। इसके अंदर हम यहाँ पिट्टू वो लगा लेंगे एलएल, जिसमें हम ये बेल्ट फंसाते हैं। हमारा बन गया है पीछे का पूरा एक पिट्टू, ऐसा ही मैं दूसरा भी बना लेता हूँ।
ये हमारे दोनों पिट्टू बन गए हैं, ये बैक और ये बैक पल्ला रहेगा। ये ऊपर से राउंड कर लिया इसको मैंने। इसका साइज है हमारा 16 इंची खड़ा है इसका, ये चौड़ाई इसकी होगी 12 इंची की। इसको यहाँ रखेंगे और ये यहाँ सिलाई मार देंगे इसमें, और एक ये लूप भी लगा लेंगे। ये मैं 8 इंची की लगा रहा हूँ, छोटी भी लग सकती है, मैं 8 की लगा रहा हूँ। ऐसी रहेंगी यहाँ से, हमारा बैक का साइड तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम बॉर्डर और चैन पट्टी बनाएंगे। एक चैन पट्टी लेंगे जिसका साइज रहेगा 22.5 इंची और 1.5 इंची की, ऐसी रहेंगी। इसको यहाँ एक सिलाई मार, ये हमारी हो गई है बैक साइड के लिए। इसमें एक रनर डाल लेंगे, ये लेंगे बैक पल्ला। इसमें हम ये ऐसा कोना लेंगे और ये हम इसमें ये बेल्ट लगाएंगे जो कि हमारे टंगाने के लिए रहेगा। ये कोने को इसके ये कोने पे रखेंगे और यहाँ एक सिलाई मार देंगे इसमें सीधी सीधी, इसमें लगा के। ये ऐसा सिल गया हमारा एक साइड का, ऐसे ही ये दूसरे साइड भी सिल लेंगे। ऐसा हमने ये दोनों साइड सिल लिया है इसका पट्टा, ये भी एक है, ये दोनों साइड का ये हमारा बैक हो गया। ये चैन सिल लिए थे। अब ये एक बॉर्डर लेंगे इसके लिए, इसका साइज रहेगा, लंबाई इसकी रहेगी 30 इंची की और चौड़ाई रहेगी 2 इंची की ऐसी में। इसको यहाँ रख के सिलाई कर देंगे, पूरा एक राउंड ले लेंगे। पहले ये कोने से ये कोने तक सिल लेंगे, यहाँ पे ऐसा रख के ये ऊपर बॉर्डर, ये नीचे चैन पट्टी। ये एक साइड का सिल गया हमारा, ऐसे ही है दूसरे साइड भी सिल लेंगे ऐसे ही रख के। ये हो गया हमारा बैक पल्ला तैयार, ये इसमें चैन पट्टी भी, चैन भी लग गई है, इसको अब हम पल्टी कर लेंगे। अब बनाएंगे हम सामने की चैन पट्टी और उसको भी लगा लेंगे ऐसी चैन। इसको अभी रख देते हैं साइड। अब ये सामने की चैन पट्टी बनाएंगे हम। ये एक मैंने 4 इंची की चैन पट्टी लिया था, चौड़ाई इसकी और लंबाई इसकी 22.5 थी। इसको ऐसा 1.5 इंची मैंने निकाल लिया इसमें से, ये इस साइड के लिए और ये है 3 इंची की। इसके बीच में अब हम चैन लगा लेंगे, चैन यहाँ से लगाएंगे एक चैन ये 1.5 इंची में और दूसरा साइड लगेगा 3 इंची में। पहले एक साइड लगा लेते हैं,
की हो गई है, ऐसे ही इसको इधर लेंगे और ये यहाँ से इसमें ये तीन इंची का इसको लगा लेंगे। हमारी चैन पट्टी तैयार। इसमें अब रनर डाल लूंगा मैं, ये इसमें हमने दो रनर डाल ली है। अब इसको एक बॉर्डर लेंगे, बॉर्डर का साइज रहेगा 30 इंची लंबाई रहेगी और 4.5 इंची चौड़ाई इसकी। इसको भी यहाँ ऐसी रख के दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे, यहाँ रखेंगे ऐसे, ये दूसरे तरफ भी सिल लेंगे इसका, दोनों तरफ का सिलाई। ये हमारा हो गया दोनों तरफ का सिलाई। इसमें भी अब सेंटर में एक निशान मार लेंगे इसका, ये जो हमारा रहेगा इसका सेंटर ये है, यहाँ दोनों तरफ निशान मारेंगे। ये निशान है, ये बॉर्डर में निशान जो है, ये बॉर्डर का निशान यहाँ रखेंगे और इस पे भी हमने बीच में एक निशान लगाया, इसको यहाँ रख के मार देंगे। ये हो गया हमारा, ये अंदर से ऐसा रहेगा, ये चारों तरफ से इसमें बॉर्डर लगाने के बाद। अब ये जो हमने बैक साइड बनाए थे इसको ऐसा सीधा कर लेंगे, इसके अंदर डाल के इसको भी इसके सिल लेंगे पूरा, यहाँ ऐसा अंदर डालेंगे इसके। ऐसा होने के बाद या ऐसी अंदर सिलाई सिलने के बाद एक अस्तर मारेंगे इसके ऊपर, हमारा फाइनल हो जाएगा। ये हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा, ये सिलाई होने के बाद। ये बैक साइड है, ये हमारा सामने वाला है, इसमें अब एक अस्तर मार लेंगे। अस्तर का साइज रहेगा भी हमारा, अब ये एक अस्तर लगा लूंगा इसमें, यहाँ से बीच से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे देख सकते हैं।
हमारा हो गया फाइनली तैयार पूरा। ये ऐसा रहेगा पीछे से, ये है सामने का हिस्सा इसका। अब इसको हम पलटी कर लेंगे, हमारा पूरा बन जाएगा। इसके बाद हमारा ये ऐसा तैयार हो गया है। सामने का ये पॉकेट है एक, ये ऊपर का ये मेन पॉकेट रहेगा, एक बैक साइड में रखेंगे ये। अब ये हमारा बैक साइड का है पिट्ठू। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।